हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो अभी बाबू और मम्मी सो रही हैं और सुबह 6 बजे मैं उठी थी और ये देखिए 7 बज गए हैं। 7 बजे से मैंने अपना कैमरा उठा लिया है और दाल मैंने बना ली है। दूध शाम का था तो बनाई तो वो फट गया, चाय बनाई थी, आपको दिखाती हूँ। दाल बना ली हूँ, बर्तन वर्तन शाम को ही धुल ली थी। ये देखिए दाल हमारी पक चुकी है और इसको हमको लगाना है तड़का। तो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देती हूँ, फिर आगे आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है ना। तो चलिए पहले लगा लेते तड़का, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है? कहाँ हो यार? धुल मेरा मॉर्निंग, इधर आओ, इधर इधर आओ। उधर अंधेरा है पर अंधे की लाइट नहीं खुली। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे थे? लेटे थे, सो रहे थे, उठ गए। उससे पहले उठे, कह रहे लेटे थे, सो रहे थे। लेटे थे, सो नहीं रहे थे, है ना? ऐसे ही लेटे थे। ऐसे लेटे थे, ऐसे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ तो जादू लेके आ, चाय तो बनाना ना, ठीक है? आज अपने जीजू के हाथ की चाय देखिएगा आप लोग। तो चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं, दाल को दे देते हैं तड़का फिर, ठीक है? गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने बज चुके हैं और मेरा पूरा किचन का काम हो गया है। बाबू मन्नी भी उठ चुके हैं, ये देखिए। तो अभी बिस्तर झाड़ना है। अब देखिए अब 7:30 बज चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाया है मैंने। पूरी क्लीन है और ये है हमारी चाय, अभी हम लोगों ने नहीं पी है, पापा आते होंगे, आएंगे 8 बजे। दूध भी उबल गया है और नाश्ते में मैंने बनाया है पराठा और रोटी और साइड में दाल रखी हुई है। चावल है नहीं, मंगाए हैं गांव से, देखो कब आता है। तो चलिए पहले फटाफट से हम बिस्तर झाड़ लेते हैं। ट्राईपॉड मेरा हमारा उठ गया है। फटाफट से हम बिस्तर झाड़ लेते हैं फिर आगे का काम करते हैं ना। तो गाइस अभी जस्ट मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बिस्तर क्लीन कर लेती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। रोज़ मैं इसी तरीके से मॉर्निंग में करती हूँ। सबसे पहले चादर को झाड़ूंगी क्योंकि जो पापा की चाय होती है, खाना होता है, कुछ भी होता है ना सुबह शाम का, मैं यहीं पर देती हूँ। और वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी है तो वो यहाँ पर आराम से टीवी देखते हुए खा भी लेते हैं और साथ ही साथ टीवी भी देख लेते हैं, तो उनका थोड़ा सा मन भी लग जाता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं चादर को झाड़ देती हूँ और चारों तरफ से दाब देती हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप चादर को इस तरीके से नहीं डायरेक्ट बिछा सकते हैं, वो इस साइड साइड से निकल जाएंगे, इसीलिए आपको दाबना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू मार लूँगी और पोछा नहीं लगाऊंगी। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी जब सब चले जाते हैं, जब भी पोछा अच्छा लगता है लगाने में, इसी वजह से। और इसके बाद यहाँ पर ये बरामदा है तो ये रोज़ इनका काम है, मतलब ये धुल देते हैं। वैसे तो मैं ही कर लेती लेकिन जब ये धुल देते हैं तो मेरी एक हेल्प भी हो जाती है। तो ये जो बरामदा है, बीच वाली जो गैलरी है, वहाँ पर ये पानी से, मतलब वाइपर से पानी डालकर पोछ देती हैं। तो फिर आप वाइपर से कितना भी क्लीन करो ना तो वो पानी रह ही जाता है, और जब कोई चप्पल वप्पल पहन के आता तो फिर मिट्टी साथ ही साथ आ जाती है तो वो गंदा हो जाता है। आप चप्पल देख रहे हो ना, बाहर की चप्पल यहाँ तक आती है जहाँ पर दो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, यहाँ तक। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लगे हाथ कपड़े से पोंछ देती हूँ, सूखे कपड़े से। तो वो देख रहे हैं इसकी कंडीशन गीला भी हो गया प्लस गंदा भी हो जाता है, तो इसको एक दो बार धुल लेती हूँ और अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो ये सूख जाता है ना, तो जब कोई आता है ना तो फिर वो गंदा भी नहीं होता है और मैसी भी नहीं होता है, और ये वाला काम मेरा सुबह मॉर्निंग में फिनिश भी हो जाता है, इसमें कोई आगे का तामझाम नहीं रहता है। तो इसी तरीके से मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी और बाबू भी मेरे साथ ही लगी रहती है, कुछ भी करो तो वहाँ पर वो पहुँच ही जाती है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से धुल लेते हैं और रख देते हैं। दोबारा अंदर हमें पोछा भी लगाना ना, इसीलिए इसको मैं अभी फैलाऊँगी नहीं। तो आप बाबू को देख रहे हो, इसको मैं इसी तरीके से टांग के ले जाती हूँ जब मैं कोई काम करती हूँ। तो बस हो गया मेरा ये काम। क्या मार रहे थे? टिड्डा मार रहे थे। तो गाइस अभी दिखाते हैं, झाड़ू लग गई है, बिस्तर भी क्लीन हो गया, पोछा लग गया। 8:10 बाकी है क्या बेटा? हाँ मार दिए हो, अच्छा चाय पियोगे? तो नहीं, चाय पियेंगे और नहाने बाद फिर पियेंगे। तो एक पराठा खा लो, चाय खा के पी लो। ये करके दिखाओ जी।
तो गाइस यहाँ पर पापा आ गए हैं और मैं जा रही हूँ वहीं पर जहाँ पर मैंने बिस्तर झाड़ा था ना, वहाँ पर मैं चाय रख दूँगी। पापा को मैंने बोल दिया है तो वो बोल रहे आ रहे हैं। और मैंने टीवी भी ऑन कर दी, टीवी नहीं ऑन थी तो मैंने कहा वो देख लेंगे मूवी वगैरह, थोड़ा सा ही देख पाती है 10-15 मिनट बस, लेकिन थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है ना। और वहाँ पर मेरी मैक्सी साथ रखी हुई थी जो मैं नहाने के टाइम उसी को पहनती हूँ फिर सेंस करती हूँ, तो मैंने कहा इसको भी लगे हाथ मैं वहाँ से निकाल लाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए पापा जा रहे हैं, वो अपनी चाय वाय पियेंगे, तो अब हम करते हैं अपने आगे का काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। गाइस पापा को चाय मैंने दे दी है, पापा पी रहे हैं और हम लोग भी जा रहे पिए बाहर बाहर बाहर। क्या कर रहे हो, कहाँ पियोगे, अंदर पियोगे, तुम क्या कर रहे थे, देखो पूरा फिर वो होने लगा मिट्टी मिट्टी। हम बाबू का हम खा रहे थे, तुमने कर दिया। चलो फिर आओ बाबू, वो पानी नहीं हमको लग रहा उसमें धुल ली है यार, उसको बोल दी हो तुम, ये देखो फिल्टर। अरे धुलवा क्या, कहाँ पानी, इसमें हाथ डाल दियो क्या, हाँ डाले हो, धुलवा नहीं डाली ना, और धुलवा के हम बाहर से भेजे थे। चलो आओ फिर, मम्मा देखो बाहर बच्ची का है बाबू, मट्टी खाए पापा कहाँ है, अंदर है, चाय नहीं है, हाँ दे दे पी रहे, पराठा दी हूँ। तो गाइस अभी देखिए कितने बज चुके हैं, लेटी थी मैं आधे घंटे से, ये देखिए कितने बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं और ये आ गए हैं नहा धो के। बॉडी तुम्हारे नहीं है, बॉडी है इनके, बताइए आप लोग इनके बॉडी है, दिखा अपनी बॉडी, दिखा बॉडी है ये, दिखने दे तुम अच्छे दिखते हैं। अच्छा तो मैं जा रही हूँ इनके लिए चाय लेने। और बाबू क्या कर रही हो, नहीं आना नहीं आना भाई, बाबू कैमरे में नहीं आना बाबू को, चाय पराठा कितना पराठा, यहाँ की लाइट क्यों बंद कर देती हो यार, बिल्कुल अंधेरा, ये देखिए जानते हो ब्लॉगिंग करनी रहती मुझे, हाँ दर्द हो रहा है, हमने लगवा रखा ऊपर से रोशनी आती है, रोशनी आएगी ऐसी बात बोलते। तो चलिए नाश्ता ले लेते इनके लिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पर हम चाय ले आए हैं, ये इनकी सेकंड चाय है, मेरी फर्स्ट है, और मम्मी चाय पराठा बाबा के साथ यानी कि दादा के साथ ही खा चुकी थी जब पापा खा रहे थे, जब ही खा ली थी, और वो अब लगी अपने कार्टून में, और हम बाबू लगे हैं चाय में, हम लोग पी रहे हैं, इनकी दूसरी है, पहली इन्होंने खाली पी थी, अब पराठे के साथ खाए, और बाबू को साथ ही मैं बिठा लेती हूँ तभी मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, वरना फिर वो खाते नहीं है। तो चलिए अब हम चाय पी लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। जा रहे हो, जा रहे हैं दुकान शॉप खोलने, शॉप करने खोलने जा रहे हैं दुकान। चलो बाबू, नहीं वो मेरा रख दो। तो बाबू भी जा रही है इनके साथ क्योंकि इनको जाना है, जब जाते हैं ये तो पापा क्या, बाबू जाओगे, गोद ले लो बेचारी को, गोद में लो बाबू, जाओगे कितना घूमोगे, पूछो पूछो इससे, इधर 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 फिर नहीं बाबू ने फिर ले ले, अरे कितना घूमोगे बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बता दो, छोड़ा फिर चले जल्दी से, कितना घूमोगे बता दो, जल्दी बताओ फिर चले घूमे, फिर नहीं जाएगी, अच्छा कितना घूम, जल्दी बताओ फिर चले हम लोग, कितना बता दे बता दो, अच्छा मत बोलो कितना घूमेगा बाबू, बता दो कितना घूमोगे, अच्छा रहने दो, कितना घूमोगे तो बताओ, नहीं बताएगी, चलो तो चलिए चलते हैं। 9:15 9:20 हो रहा है, मार्केट देखो अभी जाने मारे लेने, अच्छा कितना घूमोगे बाबू, सर जैसे जान रहे कि कैमरा चालू है, चलो ये वाली तो चप्पल वो पहनती नहीं अपनी, ये वाली ये पहना दो, लो रखी है, चलो ये लो इसको अंदर रखो, छोटी हो जाएगी वो तो बड़ी है, तुम भी नहीं पहनते अपनी, तुमने अपनी पहन नहीं, तुम भी अपनी पहन नहीं, आप पहन नहीं, आप पहन नहीं, देखो वाइपर फेंकती है, चलो बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय, बाबू बाय, भरने ना तो यार थोड़ा लगा देना यार इसमें, लगा अरे मतलब खोल देना ही लगा ले, तुम लगा टाइट कर देना ना लगा के,
इधर इधर ठीक है, बहुत दिन लगा दे, टाइट कर देगा, नहीं इतना बुला लेना। बाय। हाँ वीडियो और क्या, तो गए ये लोग, अभी बाबू आ जाएगी बाहर, गेट तक गई, मतलब ये जो कॉलोनी है वहाँ पे गेट लगा, बस वहीं तक जाएगी, वहाँ से फिर चली आएगी। तो चलिए थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर से मिलते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि नाश्ते वास्ते का बर्तन निकल आया है, सारी चीज़ें निकल आई हैं, नाश्ते का बर्तन वर्तन निकल आया है, तो फिर ये देखिए खोल के चलेंगे, तो फिर आप लोगों से थोड़ा पारेंगे, खोल दी, देख रहे हैं जो सामान निकालेंगे खोल देंगे। तो बस थोड़ी देर से आप लोगों से मिलती हूँ मैं। इस अभी रात के बज रहे हैं 10, और आज मैंने आपको देख, आज जैसा कि आज आपको पता ही कि आज मैंने आप लोग क्या हुआ, आज मैंने आप लोगों को दिखाया अपना मॉर्निंग मुंह से बोलो क्या, मॉर्निंग विश आज मैंने आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाई सोचा बाबू नहीं, और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि हमारी लड़ाई हुई थी, एक दिन जिस दिन हमारी लड़ाई हुई थी उस दिन दूसरी मीटिंग से हुई थी, हम लोगों ने नहीं बोला था, और दूसरे दिन भी हम लोगों ने बात नहीं की थी, शाम से हमारी बात होने लगी थी ना, शाम से जब ये आया ना सब बन करके, मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, उसके बाद से हमारी बात होने लगी थी। और नॉर्मली ऐसा सभी में होता है, लेकिन होता किस वजह से है, इनकी वजह से, क्योंकि जब देखो ये झगड़ते रहते हैं तो बात नहीं, अच्छा समझे, अपनी लड़ाई करोगी फिर अपने बताओगी हमें, हमेशा ये झगड़ते रहते तो फिर मुझे मजबूरन बोलना पड़ता। आप लोग कमेंट करके सच बताइए, हर घर में एक ही कहानी है कि औरतें ही पहले लड़ाई करती हैं। अच्छा बताइए, मैं लड़ने वाली दिखती हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हर समय यही बोलते रहते तो मैं बोलूंगी नहीं, बताइए आप लोग सच्चाई बताइएगा जो सच है, हर घर की कहानी, हर घर औरतें ही लड़ाई करती है, हर घर की कहानी की आदमी ही बोलते हैं, छोटी ही छोटी बात पे लड़ाई करती है, तुम लोग बोलने का मौका ही क्यों देते हो, है ना, जब बोलने का मौका देखो तो हम लोग पूजा करें, हाँ ले लो आरती, ले लो आरती, ले लो उतार दो, दिया ले लो, दिया लेके, दिया लेके ढूंढेंगे भी ना तो भी इनको ऐसी वाइफ नहीं मिलेगी, है ना, चिमनी लेके, चिमनी लेके ढूंढ लो, कम से कम ढूंढो तो बोलिए कि चिमनी लेके ढूंढे, जब देखो ची 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 लगाए रहते हैं, चिमनी मतलब दिया, हाँ दिया चिमनी जो भी हो, ची ची लगाए रहते तो मैं तो बोलूंगी ना, बाबू कौन लड़ता है, अच्छा बताओ बाबू मम्मा को कौन डांटता है, दीदी, पापा दीदी नहीं, दीदी नहीं पापा, औरतें जब आदमी बोलेंगे तो औरतें छोड़ेंगी तो है नहीं, है ना, हाँ चूड़िया तो नहीं पहनी है, चूड़िया ही पहनती है आदमियों लोगों के लिए, आदमी लोगों के लिए डायलॉग होता है कि चूड़ी चूड़िया पहन लो, चूड़ी तो नहीं पहने, ऐसा कुछ लो, औरतें तो चूड़िया ही पहनती है ना, क्यों बाबू, है ना, पापा लड़ते हैं ना मम्मा से, कितना सारा लड़ते बताओ, कितना इतना इतना, हाथ से बताओ, हाथ से दिखा के, दिखा के वहां दिखाओ, मौसी लोगों को दिखा दो, नहीं दिखाओगी, नहीं दिखाना, तो बस हमारा मैटर सॉल्व हो गया है, लड़ाई किस बात पे हुई थी, जूजू से ही पूछिए भाई, और मैटर किस लिए सॉल्व हुआ, एक बतासा खिलाए इनको मीठा, झूठ बोल रहे हैं, एक टॉफी चॉकलेट खिलाए, चॉकलेट टॉफी तक पन नहीं दिखा सकते, चॉकलेट दिखा दो तुम, टॉफी तक तो दिए नहीं है, चॉकलेट खिलाएंगे हमको, बस आटा खिलाए, पन्नी कहाँ फेंकी हो, चॉकलेट वाली तो खिलाए तुमने, तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना, क्या बाबू अब देखिए चोरी पकड़ी से आ रही है ना इनकी, लाठी डंडा उठाना पड़ेगा, तुम उठाओगे कि हम, चलो लाठी डंडा उठा के कॉम्पिटिशन, मच्छरदानी जरूर उठाते हैं, कहाँ है मच्छर मारने वाला, मच्छरदानी नहीं मच्छर मारने वाला, मच्छर मारने वाला तो मच्छर मारने वाला बोलो ना, मच्छरदानी उठा के क्या करोगे यार, मच्छरदानी के अंदर क्या करोगे, ये उठाते हैं, ये उठाते हैं, और क्या बता रहे, मच्छरदानी उठाते हो, तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, इनका तो चालू रहेगा, खत्म तो होगा नहीं, हमको बोलते बड़बड़ बड़बड़ लगाई रहती, अपना चालू हो जाते हैं तो खत्म करते नहीं है, है ना, ओके
बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, बाय 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 कर लो, गुड नाइट गुड नाइट।